बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। अर्थात आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सी यूनिट को केमिस्ट्री में पढ़ना है उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं, ताकि मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको पता चले कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमशः या सिस्टमेटिक या सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस आपके पास नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, समस्या हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह टॉपिक कहाँ की है और कितना पढ़ना है और कैसे हम इसको पढ़ें, कि एग्जाम आते आते यानी एग्जाम के समय तक हम उसको अच्छी तरह से कवर कर लें, ठीक है ना। तो देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में देखिए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ और उसको एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। अब यह सेकेंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा और एक सिक्वेंस में सभी वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का सिलेबस देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार फर्स्ट यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और केमिस्ट्री में भी है, तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल कंपोजिशन के आधार पे पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट, उसकी बनावट कैसी है, उस बनावट में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन तत्वों से होता है, कौन कौन से तत्व मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उन कार्बोहाइड्रेट में तत्वों का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ठीक है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे आप CHO कहते हैं। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक सिस्टमेटिक और डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना क्या होता, क्या क्या होता है। केमिस्ट्री की दृष्टि से पढ़ेंगे, R और S कॉन्फिग्रेशन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे आपको बताते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन भी उसी में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री की दृष्टि से आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उस ग्रुप्स का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं, प्रारंभिक तत्व, क्योंकि हमको पता है ना, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम को हम लिविंग सिस्टम भी कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, तो केमिस्ट्री या प्रोटीन, केमिस्ट्री में जो प्रोटीन है उसको हम सिंथेसिस के आधार पर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया, आप बायोलॉजी वाले हैं चाहे केमिस्ट्री वाले हैं तो बताइए। तो अरे फ्रेडरिक मिशन ने किया था ना, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक में यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और केंद्रक में पाए जाने के कारण इसका नाम जो दे दिया गया न्यूक्लिक दे दिया गया, और इसकी जो प्रकृति होती है एसिडिक अम्लीय होती है, इसलिए बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितना टेम्परेचर चाहिए, कब टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, कब जुड़ेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, इन सभी को केमिस्ट्री की दृष्टि से पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री, बहुत सही, मेडिकल केमिस्ट्री देखिए, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीपायरेटिक्स, उसके बाद सल्फर ड्रग्स, मैंने आपको सभी बता दिया ना, एल्केलॉइड, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे अधिक उपयोग है ना इन सभी का, बायोटिक्स। तो डिटेल में आप पढ़ेंगे कि दवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी ग्रुप पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किस ग्रुप को किस ग्रुप में मिलाएंगे, किसी कंपाउंड में मिलाएंगे तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, कौन सा नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट को कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ठोस पदार्थ भैया, ठोस ये देख रहे हैं ना, ठोस ही तो है। द्रव्य की कितनी अवस्था होती है, तीन तो होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर,
पॉलीमर, बहुलक, बहुलक बोलिए, पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण है भाई। मोनोमर जिसे बोल रहे थे, डाइमर बोल रहे थे, ड्राइमर बोल रहे थे, इसको ना मैं बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना। तभी मैं सिलेबस लेकर आया हूं। काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर, मैकेनिज्म की प्रक्रिया हो रही है, कितने स्टेप में होता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक डाई,